प्रिय स्टूडेंट्स, जीजू बांसवाड़ा एमएल उदयपुर के तृतीय वर्ष कला हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र के पाठ्यक्रम में संकलित सूरदास को हम पढ़ रहे हैं। मैं प्रोफेसर मदनलाल खत्री आगे के पदों को आपके सामने उनकी व्याख्या करने का प्रयास कर रहा हूँ। चूंकि ब्रज भाषा है और भक्त कवियों के वर्णन है इसमें, इसलिए इसमें अर्थ और व्याख्या सबकी अपने अपने अनुसार हो सकती है। जरूरी कि जो मैं व्याख्या करूं वही व्याख्या सत्य आप लोगों को भी लगे कि इस तरह से होना चाहिए, उस तरह से आप कर सकते हो। अगला पद जो हम पहले पढ़ चुके हैं वह कबूतर के प्राण रक्षा के लिए किस तरह से ईश्वर बाज और शिकारी के को मार कर भी उस कबूतर के प्राणों की रक्षा करते हैं, उसमें वो बताया गया था। अब यहाँ मोह माया और इसका वर्णन है। अब के माधव मोई उधारी, हे प्रभु श्री कृष्ण बस इस बार मेरा उद्धार कर दे, मुझे मोक्ष प्रदान। मगन हो भव मुनिधि में कृपा सिंधु मुरारी, हे कृपा सिंधु श्री कृष्ण मुरारी श्री कृष्ण। मैं भव मुनिधि भव सागर में, जीवन सागर में, जीवन में मगन हूं, लीन हूं, यानी अपने जीवन में, अपने संसार सागर में मैं लीन हूं। संसार में नीर अति गंभीर माया, और यह माया रूपी अत्यंत गहरा जल है, लोभ लहरी तरंग, और लोभ रूपी तरंग और लहरें उठ रही है। तरंग या लहरें लोभ रूपी इसमें उठ रही है, किसमें? माया रूपी जल में। लिए जात अगाध जल को गए ग्राह अनंग, और काम अनंग कामदेव का नाम है, ग्रह रूपी कामदेव यानी काम वासना, ग्रह रूपी काम वासना मुझे अगाध जल को गहरे जल की ओर, अथाह जल की ओर पकड़कर खींच रही है। मतलब इस संसार सागर के मोह माया रूपी जल में मुझे डुबोना चाह रही है, और काम मुझे वहां खींचा खींच के ले जा रहा है। ग्रहानंद रूपक है काम रूपी वासना रूपी ग्रह, ग्रह मगर को कहते हैं। मीन इंद्रिय तन काटत मोट सिर अगबार, इंद्रिय रूपी मछलियां, मीन मछलियां, कौन सी मछलियां? इंद्रिय रूपी का नाक हाथ मुंह त्वचा, ये सब इंद्रियां हैं हमारी, ये शरीर को काट रही है, मतलब नोच नोच के खा रही है। मोट सिर अगबार, और सिर पर पापों की गठरी है, ये डूबने के सारे इंतजाम है। पगन इतुत धरन पावतसी, मैं अपने पैरों को इधर उधर हिला भी नहीं पा रहा हूं। उर्जी मोह सिवार, मेरे पैर मोह रूपी सिवार, तालाब में होने वाली, पानी में होने वाली घास, मैं उलझ गए तो मैं अपने पांवों को भी हिला डुला नहीं पा रहा। यानी संसार सागर और उसकी मोह माया में इतना फंस गया हूं कि मैं चाहकर भी इसमें से निकल नहीं सकता। काम क्रोध गुमान तृष्णा पवन अति जगजोर, और चारों तरफ काम क्रोध गुमान तृष्णा रूपी पवन भयंकर आधी जा रही है। जगजोर मत, जगजोर भयंकर पवन चल रहा, हवा जगजोर देने वाली इन चारों की हवा चल रही है। हवा किसकी है? काम क्रोध गुमान भयंकर और तृष्णा की। नई चितवन देती शुद्ध नाम अनेका, और पत्नी पुत्र यानी पारिवारिक मोह भी मुझे
नाम नौका, ईश्वर की नाम रूपी नौका नाव के तरफ भी देखने नहीं दे रहा है कि नाश्वर रूपी इस संसार सागर से पार कराने के लिए मेरे पास ईश्वर रूपी, ईश्वर के नाम रूपी नाव भी है, लेकिन उस तरफ देखने ही नहीं दे रहा है, उस तरफ मेरी दृष्टि जा ही नहीं रही है। किसके कारण? परिवार के कारण, पत्नी और पुत्र, संतान, मेरी पत्नी, मेरा घर, उनके कारण। थक्यो बीज बेहाल विहोल सुनू करुणामूल, हे करुणामूल ईश्वर तू मेरी बात सुन ले, मैं इस संसार सागर के में थक गया हूँ, उसके बीचों बीच आकर थक गया हूँ, बेहाल और व्याकुल हो गया हूँ। श्याम भुज कही काड़ी डारू सूर ब्रज के, हे प्रभु हे कृष्ण, मेरा हाथ पकड़कर मुझे इस संसार रूपी सागर से बाहर निकालकर ब्रज के में यमुना के किनारे जाकर छोड़ दो, मुझे वहां डाल दो। अब वो विनय के पद पूरे हो रहे, अब बाल लीला के पद शुरू हो रहे हैं। यहां तो बाल लीला में इतना बता दूं मैं कि अगर वात्सल्य को रस की कोटि तक पहुंचाने का श्रेय किसी को जाता है तो वो जाता है सूरदास। इन्होंने बच्चों के हाव भाव और उनकी चेष्टाओं का इतना सुंदर चित्रण किया है कि साहित्यकारों ने वात्सल्य को भी एक रस मान लिया। हालांकि इन भक्ति, वात्सल्य और श्रृंगार, इन तीनों रसों में मूल भाव रति ही है, तो श्रृंगार के अंदर शामिल किए जा सकते थे और वास्तव में, लेकिन श्रृंगार के अंदर शामिल लेकर के इन्हें अलग रस का जो स्थान प्राप्त हुआ है वह इन भक्तों के कारण, विशेषकर वात्सल्य रस का, वात्सल्य रस को तो स्थान दिलवाने का श्रेय सूरदास को दे सकते हैं। यशोदा हरि पालने झुलावे, यशोदा श्री कृष्ण को झूले में झुला रही है। हलरावे दुलरावे मलहावे जोई सोई कछु गावे, जोई जोई लिखा है, सोई होना चाहिए, जोई जोई हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। झूले को हिलाती है, दुलार करती है और मुस्कुराती है, जो जो मन में आता वह गाती रहती है लोरियां, दो दो पंक्ति, चार चार पंक्ति की, जो कुछ भी उसके समय याद आ जाए सुना देती है। मेरे लाल को आओ निंदरिया, यशोदा निंदिया रानी को बुला रही है कि निंदिया रानी मेरे लाल को आ जाओ, काहे न आनी सुलावे, तुम क्यों नहीं आकर इसे सुला रही हो, तू काहे न बेगी सो आवे, तुम क्यों शीघ्र ही नहीं आ रही हो, तो को कान बुलावे, तुम्हें कृष्ण बुला रहा है, कृष्ण बुला रहे हैं, निंदिया रानी से करी है। कभू पलक मुहरी मूंद लेते हैं, और इसी दौरान यशोदा जब गीत वीत गाती रहती है तो कृष्ण कभी अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, कभू अधर फरकावे, और कभी वे मनी मन हंसते हैं, मुस्कुराते हैं। सोवत जान मौन वे बेटी, जब कृष्ण को इस तरह से सोते हुए देखकर वह चुप बैठ जाती है, करी करी से न बतावे, और दूसरों से भी इशारा कर करके बताती है सब चुप रहो, सब चुप हो जाओ, कृष्ण अभी सो रहा है, आवाज सुनेगा तो उठ जाएगा। यही अंतर गुलाई उठे हरी जसमुद मधुर गावे, और इसी बीच कृष्ण व्याकुल होकर झूले में व्याकुल हो जाते हैं और यशोदा फिर से मधुर लोरियां गाने लगती है। जो सुख सूर अमर मुनि दुर्लभ, जो सुख, सूरदास कह रहे हैं जो सुख देवताओं और मुनियों को भी दुर्लभ है, सेवा करना कृष्ण की, सो नंद भामिनी पावे,
वह सुख नंद पत्नी यशोदा को प्राप्त हो रहा है। यानी देव और ऋषि मुनि भी जिस सुख को प्राप्त नहीं कर सकते, वो सुख को प्राप्त करने का अवसर यशोदा को मिला है।